नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा नेट पैटर्न लाई हूँ जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, शग में, स्टॉल में, शॉल में, मफलर में, बेबी ब्लैंकेट में डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम डिजाइन बनाते हैं। ये डिजाइन पहली लाइन से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने 12 फंदे डाले हैं, 4 का मल्टीपल फंदा चाहिए और एक भी फंदा अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैंने 12 फंदे डाले हैं, 4, 4 और 4। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे या सीधा बुन लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे। पहले दूसरे वाले में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले में 2 फंदों को एक साथ लेंगे और फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों को लेंगे, इसे सीधा करेंगे और एक फंदा और लेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से यानी पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक फंदा घट गया। अब देखिए फिर हमें 2 फंदों को एक करना है, लेकिन उसके पहले हम ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे। ऐसे फ्रंट लूप से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और थोड़ा सा पहले ढीला कर लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। नेक्स्ट 2 फंदों को लेंगे, पहले इस फंदे को सीधा करेंगे, फिर एक और फंदे को लेंगे और दोनों को साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। इसे गिराया। नेक्स्ट 2 फंदों को लेंगे और थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेंगे और सामने की तरफ से ऐसे सीधा, सामने की तरफ से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखिएगा, हमने 12 फंदों से शुरू किया था और देखिए 2, 4, 6, 8, 10 10 ही फंदे रह गए, इसलिए आपको प्रत्येक लाइन में ध्यान से देखना होगा। तो हम अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का दूसरा लाइन है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब चूंकि हमारे डिजाइन में फंदे कम हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये जो जाली है इसमें एक बार हम उल्टा बुनेंगे और फिर इसी में, इसको हमें गिराना नहीं है, उन दूसरी ओर करेंगे और इसी में एक बार सीधा बुनेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर जाली आ गया, तो अब फिर इसमें एक बार हम उल्टा बुनेंगे और इसे बिना गिराए इसी में एक बार और हम सीधा बुनेंगे। तो हमने जाली में 2 फंदे बनाए, अब इसे गिरा लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, देखिए 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी एक जाली दिख रहा है, लेकिन चूंकि ये साइड का जाली है इसलिए हमें इसमें सिर्फ एक बार ही उल्टा बुनना है। यहाँ पे हमें इस जाली में एक बार उल्टा और एक बार सीधा नहीं बुनना है। साइड की जाली होगी उसमें हमें सिर्फ एक बार उल्टा बुनना है। अब इसे गिराएंगे, लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम वापस आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे,
और दो फंदों को एक साथ लेंगे। देखिए, इस वाले फंदे को पहले हम ऐसे सीधा करेंगे और फिर एक और फंदे को लेंगे। दो फंदों को लेंगे और ऐसे बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने पहले जाली नहीं दिया है। अब देखिए, ये जो दो सीधे फंदे इकट्ठे हो गए हैं, इसके ऊपर ही डिज़ाइन बनेगा, यानी यहीं पे हमें जाली देना है। तो ऊन अपनी ओर करेंगे और देखिए, इन दो फंदों को हम लेंगे, जाली का ये जो पहला वाला फंदा है इसको और सीधे वाले फंदे को, इसको लेंगे और फ्रंट साइड से ऐसे हम सिलाई डालेंगे। और यहाँ पे हमने जाली दिया है, जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। अब देखिए, इस जाली का ये दूसरा फंदा है, एक फंदा हमने इधर लिया, अब ये दूसरा फंदा है। तो पहले इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और इसके साथ एक और फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने जाली नहीं लिया है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए दो सीधे फंदे इकट्ठे हैं, यानी इसके ऊपर जाली पड़ेगा। और ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो जाली है, जाली का ये पहला फंदा है, यानी जब डिज़ाइन इस साइड में आएगा, दाहिनी तरफ ऐसे आएगा, तभी हमें जाली देना है। तो उसके लिए पहले हम उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। अब देखिए, ये चूंकि जाली पर का एक फंदा इधर आ गया, ये दूसरा फंदा है। जब दूसरे फंदे को हम बुनेंगे तो हमें जाली नहीं देना है, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना है। तो इसको हमने लिया, पहले इसे सीधा किया, नेक्स्ट फंदे को लिया और दो का एक कर लिया। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, तो यहाँ पे हमें जाली देना है। उन अपनी ओर कर देंगे और जाली देते हुए लास्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे या उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए जाली है, और ये भी ध्यान दीजिए कि ये साइड का जाली है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक फंदा बनाना है। तो उल्टा बुन लिया, अब दो फंदे इकट्ठे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, यहाँ जाली आ गया, तो हमें एक बार उल्टा बुनना है और एक बार इसी में बिना गिराए सीधा बुनना है। जाली पे हमें दो फंदे बनाने हैं। अब उन अपनी ओर किया, दो उल्टे फंदे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। अब ये जाली आ गया, तो एक बार इसमें उल्टा बुनेंगे और फिर दूसरी बार इसमें सीधा बुनेंगे। लास्ट में दो फंदे हैं, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा चौथा लाइन कंप्लीट हो गया। पांचवी लाइन में हम फिर अपना पहला लाइन दोहराएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे। मैं जैसा कि मैंने बताया कि जब जाली वाले पहले फंदे को हम बुनेंगे, तो उसके पहले हमें उनको अपनी ओर कर लेना है, यानी कि यहाँ पे जाली पड़ेगा। तो इन दो फंदों को हम लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। अब देखिए, ये जाली का दूसरा फंदा है, यानी यहाँ पे हमें जाली नहीं देना है। जाली के ऊपर हमें जाली नहीं देना है, डिज़ाइन जो है, जो दो फंदे सीधे इकट्ठे हो रहे हैं उसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनाना है। इसलिए अब इसको पहले हम सीधा करेंगे और साथ वाले फंदे को लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब देखिए, ये यहाँ पे हमें जाली देना, दो फंदे सीधे इकट्ठे हैं, यानी यहाँ पे हमें जाली देना है। तो ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को लेंगे और फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब फिर ये दूसरा फंदा है, यानी यहाँ हमें जाली नहीं देना है। याद रखिएगा, जाली के ऊपर हमें जाली नहीं देना है। तो इसे सीधा किया, अगले फंदे को लिया और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब यहाँ दो फंदे इकट्ठे हैं, यानी यहाँ पे हमें जाली देना है। तो उनको अपनी ओर करेंगे, ऐसे पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। लास्ट का फंदा, इसे हम सीधा बुनेंगे।
और रॉन्ग साइड से दूसरी लाइन यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ जाली है तो एक बार इसमें उल्टा बुनेंगे और दूसरी बार इसी में बिना गिराए सीधा बुन लेंगे। अब इसे गिराया, उन अपनी ओर दो उल्टे फंदे हैं तो इसे उल्टा बुन लेंगे। फिर ये जाली आ गया तो पहले एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर इसी में एक बार सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर दो उल्टे फंदे हैं, इसे उल्टा बुन लेंगे। और चूंकि ये फंदा लास्ट में पड़ा है, देखिए साइड में पड़ा है, तो इसमें हम सिर्फ एक बार उल्टा बुन लेंगे। साइड वाले जाली में हमें दो बार नहीं बुनना है, सिर्फ एक बार बुनना है। और लास्ट फंदा तो ऐसे ही ये बनता चले जाएगा। तो चार फंदों का और चार लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। इन्हीं चारों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।